कोई हमसे पूछे आपका फेवरेट मिठाई कौन सा है तो बस एक ही जुबा पे नाम आते हैं कि बालूशाही। बालूशाही जितना खाने में टेस्टी लगता है उतना ही बनाने में आसान लगता है। तो दोस्तों, कई बार अपने घर पे बनाने के बाद मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। परफेक्ट मेजरमेंट से बिल्कुल मार्केट जैसे बनेगा, अंदर से जूसी और ऊपर से सॉफ्ट। बालूशाही बनाने से पहले हम चाशनी बना लेंगे। चाशनी बनाने के लिए 2 कप चीनी ली है, ये ग्राम से 500 ग्राम चीनी होगा। तो जितना हमने चीनी लिया है उसका आधा हम पानी लेंगे। नापने के लिए आप कोई एक ही चीज़ रखें, कटोरी, गिलास या फिर कप। तो देखिए, इसमें 1 कप पानी डाल दिया है और इसे 3 से 4 मिनट तक उबालेंगे मध्यम आंच पर। तो बीच बीच में मिक्स भी कर लेंगे ताकि चीनी नीचे जाके बैठ के जल ना जाए। तो देखिए, चीनी हमारा साफ़ है तो क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ना चीनी गंदे आते हैं तो उसका चाशनी भी काला काला दिखता है। तो उसके लिए 2-4 चम्मच लीजिए, झाग के रूप में गंदगी ऊपर आ जाते हैं उसे छान लीजिए, चाशनी क्लियर हो जाती है। बालूशाही में अच्छा कलर देने के लिए 6 से 7 केसर के धागे, फ्लेवर के लिए 1 इलायची तोड़ करके लिया है। तो केसर के धागे भिगो करके लेना, मैं भिगोना भूल गई थी तो अभी डाल रही हूँ। तो बस इससे क्या होगा, अच्छा कलर आ जाएगा। बालूशाही के लिए 1 या 2 तार के चाशनी नहीं बनाना होता है। जिस तरीके से शहद होते हैं ना चिपचिपा सा, बस उतना ही हमें चाशनी को पकाना होता है। तो देखिए, चाशनी में अच्छा सा उबाल आ गया है। 1-2 बार मिक्स कर लेते हैं, 3 से 4 मिनट तक और पका लेंगे। तो 3 से 4 मिनट तक हमने फास्ट फॉरवर्ड में आपको करके दिखाया है। अब इसका कंसिस्टेंसी चेक कर लेंगे। तो कोई चम्मच के ऊपर रख के गिराएंगे, ये देखिए आराम से गिर रहा है, कोई भी तार नहीं निकल रहा है। हाथ के अंगुलियों के बीच में भी इस तरीके से रख करके चेक करेंगे, ये देखिए चिपचिपा सा लग रहा है, इसमें कोई तार नहीं बन रहा, आप देख सकते हैं। तो बस ये चाशनी हमारा बन गया है, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और इसमें 2 से 3 बूंद नींबू का जूस डाल देंगे। नींबू के जूस डालने से चाशनी जमेगी नहीं, बालूशाही के ऊपर चीनी का दाना नहीं बनेगा। तो बस इसे मिक्स कर लेंगे, ढक्कन बंद करके रख देते हैं क्योंकि चाशनी हमें गुनगुना चाहिए होता है। अगर चाशनी ठंडा हो जाए तो बाद में हम गर्म भी कर लेंगे। एक बाउल ली है, इसमें डालेंगे 2 कप मैदा, वही कप है जिस कप से हमने चीनी नापा था। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सिर्फ 3 चीज़ से बालूशाही बनाएंगे, मैदा, चीनी और घी से। इसमें कोई बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर या फिर दही नहीं डालेंगे। तो देखिए, जिस कप से हमने मैदा लिया था उसी कप से आधा कप देसी घी लेंगे या फिर डालडा ले सकते हैं, इससे ना बालूशाही में अच्छी परत बनती है। इसी कप से हम डाल देंगे 1/2 कप पानी, इसीलिए मैं बोली थी कि नापने के लिए कोई एक ही चीज़ रखें। तो जो कप में थोड़ा बहुत भी घी लगा है ना, वो भी हम अच्छे से क्लीन करके निकाल लेंगे, कप में बचना नहीं चाहिए। दोस्तों, बालूशाही बनाना इतना आसान है और टाइम इतना कम लगता है कि आप कोई भी त्यौहार पे सोचेंगे कि चलो बालूशाही ही बना लेते हैं। खाने में तो टेस्टी लगता ही है, बनाने में इतना आसान है कि आप चलते फिरते, मतलब कि घर का काम करते करते ही आप ये मिठाई को बना करके मिनटों में तैयार कर सकते हैं। और ये 2 कप मैदा से लगभग 1 किलो बालूशाही बन जाता है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बालूशाही के आटा, जिस तरीके से हम रोटी का आटा गूंदते हैं ना, उस तरीके से नहीं गूंदना होता है। बस हमें इतना मिक्स करेंगे कि ये जो सूखा आटा है ना, ये छुप जाना चाहिए। ये देखिए, हमारा मेजरमेंट इतना परफेक्ट था कि इसमें ना तो पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी या ना तो ऊपर से घी डालने की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, पहला स्टेप, चॉपिंग बोर्ड या फिर स्लैब पे इस तरीके से रखेंगे, एक हाथ से फैलाते जाएंगे, दूसरी हाथ से समेटते जाएंगे। ये स्टेप आपको 6 से 7 बार करना होगा। ऐसा करने से कहीं कहीं घी आटा में जो नहीं मिक्स किए हुआ होगा ना, वो मिक्स हो जाएगा। दूसरा स्टेप ये करेंगे, चॉपिंग बोर्ड पे इस तरीके से डो को फैलाएंगे और बीच से कट कर देंगे चाकू से।
ये कटे हुए हिस्सा को इसके ऊपर रखेंगे और फिर से फैलाएंगे। इस स्टेप को भी आपको 6 से 7 बार करना होगा। इसी के वजह से बालूशाही के अंदर परत बनते हैं। हलवाई लोग भी यही ट्रिक अपनाते हैं। तो ये स्टेप को भी 6 से 7 बार कर लेते हैं। ये देखिए, फैलाते जाएंगे, बीच में कट लगाएंगे और उसके ऊपर रखते जाएंगे। इस स्टेप को मैं फास्ट फॉरवर्ड में करके दिखा देती हूँ। बस इतना ही हमें करना होता है, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। और अब मैं दिखाती हूँ, इस टाइम ही आटा के अंदर परत बनने लग गया है। तो यहाँ पे कैमरा में थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो गया था, जो फोकस नहीं कर रहा था। अब हम इस डो को 10 से 15 मिनट के लिए ढक करके छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद एक बार फिर से डो को फैलाएंगे और बीच से कट लगा करके इसके ऊपर रख देंगे। अभी क्या होगा, 10 से 15 मिनट के लिए जो आटा को छोड़ा था ना, तो आटा के ऊपर पतली सी लेयर सूख जाते हैं, तो उसी को अभी हम मिक्स कर रहे हैं। तो बस 1 से 2 बार ही करेंगे। अब हम क्या करेंगे, बराबर हिस्से में 4 पीस कट कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। ऐसा करने से ना बालूशाही सारे पीस हमारे बराबर बराबर बनेंगे। बराबर बनेंगे तो देखने में भी सुंदर लगेगा। और ये एक पीस उठाएंगे और इसको रोल बनाएंगे। ये देखिए अच्छा सा स्मूथ बनाएंगे, कहीं से दरार नहीं होना चाहिए, नहीं तो डीप फ्राई करने के टाइम में बालूशाही कहीं से भी फट जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से बराबर से रोल बना लेंगे चारों पीस को, और फिर से कट लगाएंगे बराबर बराबर हिस्से में कि सारे बालूशाही एक जैसे बने। तो इसी तरीके से मैं सारे कट करके रख लेती हूँ। ये सारे छोटे छोटे टिप्स फॉलो करेंगे ना, आपके भी बालूशाही बिल्कुल परफेक्ट हलवाइयों के जैसे बनेंगे। और ये देखिए सारे कट करके तैयार कर लिया। अब हम एक बॉल उठाएंगे और हाथ के बीच में रख करके कुछ इस तरीके से शेप देंगे। ये देखिए बहुत आसान है बालूशाही बनाना। हल्के हाथों से बॉल बनाएंगे और अच्छे से बराबर कर लेंगे। तो चलिए मैं सारे बालूशाही पहले बना के रख लेती हूँ। सारे पीस बना करके रख लेंगे। फ्राई करने के लिए भी हमें कुछ टिप्स को अपनाना होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे बालूशाही का पीस बना करके तैयार कर लिया है। यहाँ पे लिया है रिफाइंड ऑयल, आप चाहे तो देसी घी भी ले सकते हो। बिल्कुल धीमी आंच पे कढ़ाई को रखा है डीप फ्राई करने के लिए। कढ़ाई मोटे तले का होना चाहिए और थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। और देखिए मैंने छोटा सा बॉल डाला ना, अभी कोई भी बबल नहीं निकल रहा है। बस तेल इतना ही गर्म होना चाहिए, मतलब अभी तेल में हम अंगुलियां भी डाल देंगे ना तो हमारा अंगुली जलेगा नहीं, इतना ठंडा तेल होना चाहिए। और एक बार में जितना बालूशाही कढ़ाई में आ सकता है उतना ही डालना, ज़बरदस्ती डालने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो वो ना टूट फूट जाएंगे। और जब आप दूसरा बैच बालूशाही फ्राई करोगे तो आपको क्या करना होगा, तेल को फिर से ठंडा करना होगा, फिर आपको दूसरा बैच बालूशाही फ्राई करना होगा। अगर गरम तेल में डाल दोगे तो वो बालूशाही फूलेगा नहीं। मेन टिप्स यही होता है, अगर आपके बालूशाही फूल के ऊपर आ जाएंगे तो समझ लो आपके मिठाई परफेक्ट बनने वाला है। तो देखिए अभी तेल के नीचे था ना सारे बालूशाही, ये फूल करके 15 से 18 या फिर 20 मिनट के बाद ये ऊपर आ जाते हैं। बिल्कुल धीमी आंच पे छोड़ दिया था, जिस साइड गैस कम जलते हैं ना वहाँ पे धीमी आंच पे छोड़ के 20 मिनट तक फूल गई थी। बस 20 की मिनट के बाद देखेंगे ये फूल के ऊपर आ जाएगा। इसके बाद 3 से 4 मिनट तक उसे छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि इस टाइम बहुत सॉफ्ट होते हैं। 2-3 या 4 मिनट के बाद जब देखेंगे उस साइड पर थोड़ा सा लाइट गोल्डन कलर आ गया है, तो फिर अलट पलट करके लाइट गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लेंगे बस। और एक एक पीस इस तरीके से मैंने पलट लिया है और ये देखिए इसका कलर बहुत अच्छा आया है। तो ये फ्राई हो गया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो मैं चाशनी को ना छोटे बर्तन में बनाई थी, तो इसलिए 2-3 बार हमें डीप करना होगा। तो पहले क्या करूँगी, 6 से 7 बालूशाही निकाल लूँगी
और मैंने पहले ही चाशनी को गरम कर लिया है, गुनगुना कर लिया है। गुनगुना चाशनी में ये गरम गरम बालूशाही को डीप करेंगे। और ये जो कढ़ाई में बच गया है ना, तो इसे धीमी आंच पे दूसरे साइड छोड़ दूंगी, ये और पकता रहेगा। और ये जो बालूशाही निकाली हूँ, इस बालूशाही को चाशनी के अंदर गरम गरम डीप करेंगे। तो एक बार में 3 से 4 मिनट तक ही बालूशाही को डीप रखना है, अगर आपको फीका खाना पसंद है। अगर ज़्यादा मीठा खाना पसंद है तो 5-7 मिनट भी भिगो के रख सकते हो। तो फिर उसके लिए आपको बड़ा बर्तन में चाशनी बनाना होगा। तो देखिए, दोनों साइड हम डीप करके 3 से 4 मिनट में बालूशाही को दूसरी बर्तन में निकाल लेंगे। सजाने के लिए भी हम दूसरी बर्तन का यूज करेंगे, क्योंकि बालूशाही के निकालने के बाद भी उसमें बहुत सारे चाशनी निकल जाते हैं। तो इसी तरीके से मैं सारे बालूशाही को बारी बारी करके चाशनी में डीप करके प्लेट में निकाल ली हूँ। तो चलो मैं आपको तोड़ करके भी दिखाती हूँ कि बालूशाही कैसा बना है। और ये देखिए, बनी है ना अंदर से जूसी, ऊपर से सॉफ्ट। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई कर रहे हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे टैग भी कर सकते हो, तो फिर मैं अपने स्टोरी पे आपका फ़ोटो लगा दूँगी। फिर मिलते हैं दोस्तों न्यू वीडियो के साथ। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।